बहुत चर्चा हो रही है एक देश एक चुनाव की राजस्थान का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होगा या लोकसभा चुनाव राजस्थान के चुनाव के साथ होगा या क्या होना चाहिए देखिए मैं सोचता हूँ हम लोग तो कभी भी साथ में हो अलग हो हम इलेक्शन के लिए तैयार है बट वन नेशन वन राशन वन नेशन वन टैक्स और वन नेशन वन इलेक्शन आप ये देखिए कि पांच वर्ष में लोकसभा के चुनाव के बाद लगातार किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं और जब चुनाव होता है तो कहीं कहीं कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लगती है कई कार्य कई चीज़ें बाधित होती हैं कितना फोर्स लगता है उस चुनाव को संपन्न कराने में कितने लोग खपाए जाते हैं उस चुनाव में अगर एक साथ चुनाव होगा तो निश्चित रूप से देश को भी फायदा है और निष्पक्ष रूप से देश का पैसा भी बचेगा और जो समय ज़ाया होता है उस समय आचार संहिता लगने के बाद उस कामों की गति धीमी हो जाती है आपका डेवलपमेंट का काम रुक जाता है आपका कई चीज़ें रुक जाती हैं तो सारी चीज़ें निर्बाध रूप से चल पाएगी तो मैं इस चीज़ का पक्षधर हूँ एक देश में एक साथ एक इलेक्शन होना चाहिए और दूसरी बात जो आज चल रही है वो ये कि जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है इसमें अनुच्छेद एक में जो बात कही गई है इंडिया दैट इज़ भारत तो इंडिया हटा करके केवल भारत देश का नाम रख दिया जाए केवल हिंदी में क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है और क्या ऐसा होना चाहिए देखिए प्रस्ताव है तो मैं माँ सेशन में जाएंगे तभी पता लगेगा बट मैं इसका पक्ष धरूँ आज कोई भी देश में हम लोग भारत माता का जय करते हैं कोई इंडिया माता का नहीं करते हैं और ये शुरुआत से हैं और दुनिया का कोई देश अपने देश को जमीन का टुकड़ा मानते हैं लेकिन हिंदुस्तान अकेला देश होगा जो इस देश को जमीन का टुकड़ा नहीं अपनी माँ मानता है तो ये एक 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 आप मन से लोगों के मन से निकलता है और भारत मैं इस चीज़ का बक्सर हूँ कि अगर भारत किया जाता है तो पूरी देश की जनता उसका स्वागत करेगी